मेरा नाम है जगतपाल, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। बुंडू के स्थान पर आज हम लोग आए हुए हैं और एक ऐसा घटना हमारे बीच में है। एक बहुत मासूम सा बच्चा जिसका उम्र मात्र 14 महीना हुआ है, आज ज़िंदगी के उस पड़ाव पर खड़ा है जहां पर आज उसके परिवार पिछले 6 महीना से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस बच्चे को क्या बीमारी है आज तक किसी को पता नहीं चल रहा है। कई एक डॉक्टर उससे मिला गया, चेक भी किया गया, इसका सारा टेस्ट भी आया, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चल रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लगभग इस बच्चे का जन्म के लगभग 8 महीने के बाद इस बच्चे को एक विचित्र प्रकार का बीमारी है, जिसमें बच्चे को ना वो देख ठीक से सक रहा है और ना ही शरीर में किसी प्रकार का ग्रोथ हो रहा है, ना भी वो कभी सोने सक रहा है। सुबह से लेकर शाम तक ये रोता रह रहा है और आज इसके पूरे परिवार पिछले 6 महीना से इस बच्चे की ज़िंदगी के साथ हर वो डॉक्टर, हर वो ओझा के साथ मिले, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। हम अपने टीम की तरफ से इसकी तहकीकात करने के लिए आए हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बच्चे बहुत तकलीफ़ में है। ये बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, इसके पूरे परिवार बहुत तकलीफ़ में है। कहते हैं ना, एक बच्चा किसी की ज़िंदगी का एक आधार होता है, लेकिन आज ये परिवार पिछले 6 महीना से ज़िंदगी और मौत के उस स्थान पर खड़ा है जहाँ पर उसके घर का जमा सारा पूंजी समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया है। आज ये दर दर भटक रहे हैं बच्चे का इलाज कराने के लिए, लेकिन सही इलाज इनको नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं सामने एक बच्चा है जो रोए जा रहा है, उसका हाथ और उसका पाँव ठीक से काम नहीं कर रहा है। लगातार इस बच्चे की जो तकलीफ़ है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 6 महीना से लगातार इसकी समस्या बढ़ती चली जा रही है और अभी हम उसके माता पिता के सामने आए हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आज इस बुंडू प्रखंड का इस कठर टोली निवासी ये बच्चा जो है ना, ये पिछले 6 महीना से इस तकलीफ से जूझ रहा है। आज इसके परिवार के सारा जो जमा पूंजी था इस बच्चे के इलाज के लिए खर्च हो गया, लेकिन बावजूद भी ये सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया। आज हम ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप इस बच्चे को देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये दिल में लगेगा कि हर एक इंसान का बच्चा होता है। लेकिन आज हम उसके पिताजी से मिलते हैं और इससे पूछते हैं कि पिछले 6 महीना में, ये देखिए सारा रिपोर्ट उसके साथ में, कितना दिन से समस्या बच्चा को है? 6 महीना से है। शुरू कैसे हुआ? शुरू मतलब 6 महीने से बुखार है, बुखार से खींचा, उसके बाद सही नहीं हुआ। किस किस डॉक्टर से मिले हैं आप? रांची में रानी चिंडल डॉक्टर से और क्या बोलते हैं अजय घास से, फिर चट्टी में मिले अगर डॉक्टर से, फिर वहाँ सनपुर डॉक्टर से। अभी तक इलाज सही तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाया है? नहीं। अब डॉक्टर का जितना भी दवाई था खर्चा हो गया, उसके बाद आप अभी इसका सही और बेहतर इलाज के लिए आप के पास क्या है पूंजी, जमा पूंजी कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सोना गोना सब खत्म हो गया, सब बिक दिया, गाड़ी वाड़ी सब बिक दिया इसका चलते। ये आपका नाम क्या है? सूरज महतो। ये सूरज महतो है, पिछले 6 महीना से ये लगातार डॉक्टरों के घर में दौड़ लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी इस बच्चे का कोई इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जितने भी हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं, ये परिवार जो है पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, तकलीफ़ में है और आज ये बच्चा जो है ना अपने जीवन में किसी भी तरह का इलाज इसको नहीं मिल पा रहा, सही बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है और आज ये जो है ना समस्या इसके सामने इतना खड़ा हो गया कि किसी भी हालत में इस बच्चे का ठीक हो जाए इसके लिए सब गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो या ओझा हो, हर तरीके से लोग मिले, लेकिन अभी तक उनका सही इलाज नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं बच्चे का क्रंदन देख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चा रो रहा है, रात नींद नहीं आ रही है। अगल बगल के जो भी पड़ोसी ये बता रहे हैं कि पिछले 6 महीना से परिवार जो है ना दिन रात इस बच्चे के पीछे में लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। इसके सारे रिपोर्ट इसके अंदर में है, इसको ये सारा रिपोर्ट है। ये है सिंहपुर नर्सिंग होम, ये रिपोर्ट है मदन प्रसाद बुंडू, ये है गांधी मेडिकेयर सेंटर है, ये लोहरदगा, ये है डॉक्टर एस के रमन, ये है अजय घोष और रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। ये तमाम जगह में जाने के बाद भी इस बच्चे का सही इलाज अभी तक नहीं हो पाया और आज इसके पास में जितना भी जमा पूंजी सब खत्म हो गया है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? एक बच्चे की ज़िंदगी को हम सबको समाज में मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए। आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो आज ये देख रहे हैं न्यूज, उन सब से एक कहना है कि आप आगे आ करके ऐसे
परिवार को मदद करें, सपोर्ट करें, ताकि इस बच्चे का ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। हम सब मिलकर के इस बच्चे के जीवन को सेव करें। आज इस व्यक्ति के पास में, इस व्यक्ति के पास में किसी प्रकार का जमा पूंजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बच्चे का जीवन बच जाए, इस परिवार का जीवन बच जाए, और कहीं ना कहीं हर एक बच्चा हर एक इंसान के जीवन का आधार होता है, लेकिन आज जिस तकलीफ़ और जिस दर्द के साथ इसके मम्मी और पापा और इसके पूरे परिवार जो अगल बगल के लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हम समाज के अंदर में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जीवन को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और हम आज आशीष न्यूज़ की टीम से ये कहना चाहते हैं कि आप आगे आ करके इस बच्चे की सहायता करें, चाहे आर्थिक रूप से हो, किसी न किसी रूप से आप इनके सहायता करें, ताकि इस बच्चे को एक अच्छा जीवन मिल पाए और एक अच्छा जीवन दिया जा सके, ताकि इस बच्चे को सेफ और सुरक्षित रखा जा सके। अभी इस बच्चे का जो माँ है उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये समस्या कितना दिन से आप? 6 महीना से। किस प्रकार से ये बच्चा सुबह से राम से रात कैसे कैसे करते हैं आप लोग? इसको हम लोग जागते रहते हैं, परा परी करते हैं, इसको खिलाते उलाते हैं। अभी दूध पीने सकता है ये बच्चा? नहीं। क्या खिलाते हैं आप? बिस्किट और दूध खिलाते हैं, गाय दूध खिलाते हैं। अभी ये जो बच्चा है कब से लगातार रोने की प्रक्रिया इसका चल रहा है? वही 8 दिन से। 8 दिन से लगातार रो रहा है। सोता है नहीं? सोता है। कभी कभी सोता है, कभी कभी रोते रहता है। अभी दवाई कुछ चल रहा है इसका? हाँ चल रहा है। कौन सा डॉक्टर का दवाई चल रहा है? सिंपुर वाला, घिचा घिची का दवाई चलता है, अभी टांगता है उसका दवाई चलता है। ये उसकी माँ है, बच्चे की माँ है। आप देख रहे हैं कि बच्चे को गोद में लिए हुए है। पिछले 8 दिन से बच्चा ना सो रहा है ठीक से, लगातार रोए जा रहा है, इसको शरीर को खींच रहा है, हाथ खींच रहा है, पाँव खींच रहा है, और लगभग खाना पीना माँ का दूध भी ये नहीं ले पा रहा है। बिस्किट या गाय दूध अलग अलग जो चीज़ है उसको खा करके बच्चा जो है ना अभी जीवन को चला रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तकलीफ से ये बच्चा जो है ना, आप विजुअल देख सकते हैं कि बच्चा कितना तकलीफ में है, रोए जा रहा है लगातार, नॉन स्टॉप ये रोए जा रहा है। इसकी माँ इसके सामने अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे किस प्रकार की तकलीफ इस बच्चे को है, आप देख सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस बच्चे का जो दर्द है आप सब महसूस करिए, और जो भी लोग आज हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनसे हमारा ये कहना है कि आप आगे आएँ और इस व्यक्ति को मदद करें, ताकि इस बच्चे को अच्छा इलाज मिल पाए। एक बार तो